और एरिट्रिया के बारे में बता रहे थे कि भाई बहुत खतरनाक सुना हमने कि भाई वहाँ तो भाई साहब मौज है, आपको राजा बना के रखेंगे। अभी गदर सा मचा पड़ा भाई फ्लाइट में, अफ्रीका आ गया ना तो मजा आ गया। ये जो बाबा है ना, इसने सब्जी पे लाठी कर रखी है, देखो इनकी फैमिली यहाँ रह रही है, सूडान में वॉर चल रही है, टाइम ट्रैवलिंग कर रहे हैं। इस बार हम पीछे आ गए टाइम में। नो इंटरनेट, नो लाइट, नो इलेक्शंस, नो ह्यूमन राइट। जहाँ पर हर मर्द को दो शादी करना जरूरी है और हर सिटीजन को आर्मी में सर्विस देना मजबूरी है। सुना है यहाँ के लोगों की आमदनी इतनी कम है कि वो पेट भर के खाना तक नहीं खा सकते, लेकिन फिर भी यहाँ के शहरों में सैकड़ों कैफ़े और बार हैं, और जहाँ पर आज भी एक व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए लोगों को इंटरनेट कैफ़े में जाना पड़ता है। क्या सच में ऐसा भी कोई देश है जहाँ पर आज भी एटीएम तक नहीं है? कभी कभी तो इस देश को अफ्रीका का नॉर्थ कोरिया भी कहा जाता है। जी हाँ, मैंने भी सुना है ऐसा कोई देश है जिसका नाम है एरिट्रिया। तो चलें देखें एक बार फिर से कुछ नया, कुछ अलग। तो भाई जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और सबको राम राम। मैं हूं आपका दोस्त मनोज मल्होत्रा और सफ़र शुरू हो चुका है एक और नए देश का। और इस वक्त हम खड़े हैं इथियोपिया की कैपिटल आदिस अबाबा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, और यहां से लेने वाले हम इथियोपियन एयरलाइंस की फ़्लाइट जो कि हमें लगभग 1 घंटा 20 मिनट में पहुँचा देगी एरिट्रिया की कैपिटल असमारा में। और भाई हम आए हैं अभी यहाँ लंदन से, तो हमें जो फेयर पड़ा है लंदन टू असमारा वो पड़ा है लगभग 52,000 भारतीय रुपए का। और अगर आप आ रहे हैं भारत से, दिल्ली से, तो आपको आती है इजिप्ट एयर। इथियोपियन एयर ने अभी स्टार्ट किया, शायद पहले कभी मैंने देखा नहीं था इथियोपियन एयर का, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से 2-1 साल से चेक कर रहा हूँ एरिट्रिया आने के लिए, तो कभी भी मैंने इथियोपियन एयरलाइन की फ़्लाइट उस वक्त देखी नहीं थी। लेकिन अभी इथियोपियन एयरलाइन की फ़्लाइट आ रही है जो कि सबसे मतलब अर्लीस्ट है, जो जल्दी पहुंचा देगी, मतलब 10 से 11 घंटे में वो असमारा हमें पहुंचा देगी अगर हम दिल्ली से आ रहे हैं तो। और फेयर की बात करूं तो दिल्ली से जो असमारा का फेयर पड़ेगा इंडिया से पड़ता है तो वो पड़ता है लगभग 45,000 के आसपास वन वे। और हम आए हैं लंदन से इस वक्त, और भाई लंदन से कैसे आए जो वीडियोज़ आने वाली हैं एरिट्रिया की इसके बाद देखोगे। तो चलते हैं देखते हैं एरिट्रिया को। और ये है कुछ नज़ारा इथियोपिया के आदिस अबाबा एयरपोर्ट का। और इथियोपियन एयरलाइन के अलावा इजिप्ट एयर और फ्लाई दुबई भी ऐसी एयरलाइन है जो कि मोस्टली और मेनली एरिट्रिया के लिए ऑपरेट करती हैं। आपको जब भी आना हो आप चेक कर सकते हैं, फ़्लाइट चेक करना आप कोई बड़ी बात नहीं रहेगी, गूगल सर्च पे भी चेक कर सकते हैं आप, और आप किसी ट्रैवल एजेंट से भी चेक कर सकते हैं, और बहुत सारी ऐप्स हैं booking.com वगैरह, किसी से भी चेक कर लें, कोई मुश्किल काम नहीं है। और ये सेकेंड टाइम है जब मैं इथियोपिया एयरपोर्ट से जाके ट्रांसफ़र ले रहा हूँ। पहले हम गए थे जब नाइजीरिया, तो भी हम इथियोपिया एयरपोर्ट से गए थे। और एयरपोर्ट की बात करूं तो ठीक ठाक एयरपोर्ट है, लेकिन ये जो एयरलाइन है ये बहुत मेजर अफ्रीकन सिटीज़ को कनेक्ट करती है और ये बहुत सारी जगह पे इसका जो है डेस्टिनेशन है। नमस्ते भाई साहब, ठीक हैं जी? भाई मेरी आदत है, देखो मैं नमस्ते सलाम कुछ कर लूँगा, जो भी जैसा भाई मिलता है वैसा। तो अभी हम आए यार यहाँ पर प्रायोरिटी पास को इस्तेमाल कर लें, थोड़ा सा लाउंज में बैठते हैं क्योंकि हमारी फ़्लाइट है अभी से 2 घंटे बाद, अभी बजे हैं सुबह के 7 यहाँ पे, और हमारी फ़्लाइट है 9:50 की। काफ़ी अच्छी वैरायटीज है यार इसमें लाउंज में, अमूमन होती नहीं इतनी सारी, और इसमें ठीक ठाक है भाई सारा खाने पीने का इंतज़ाम। और पिछली बार जब मैं आया था तो यहाँ पर ये था ही नहीं शायद, अभी खुला होगा लाउंज, 2 साल हो गए लगभग मुझे आए। भैया नमस्ते अगेन, अरे ये अपने भाई हैं, अभी मेरी बात हुई थी उदयपुर। क्या शुभ नाम है आपका? जूजर बोहरा। बड़ा यूनिक सा नाम है यार, है ना? तो भैया मिले थे अभी इंडिया से, हैं अपना उदयपुर से, और एरिट्रिया के बारे में बता रहे थे कि भाई बहुत खतरनाक सुना हमने कि भाई वहाँ तो कह रहे सिम कार्ड लेने के लिए भी पासपोर्ट चाहिए होता है, नहीं क्या लाइसेंस चाहिए होता है। चलो गुड, हम खाते हैं कुछ भाई। अभी तो हमने लिया भाई दही, वेजिटेबल्स और पपिया। ये भाई साहब, ओके, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। सेम यार भाई, जूजर बोरा जी, बहुत हेल्प करी आज हमारी। अरे कुछ नहीं यार, ब्रेकफास्ट किया
और मिलके बहुत बहुत अच्छा लगा, दिल से अच्छा लगा ब्रदर, मिलते हैं जल्दी। थैंक यू, बाय बाय। चलो भाई ऐसे ही भाई बंद मिलते रहते हैं, अपने को प्यार बनता चला जाता, परिवार बढ़ता चला जाता है। जो लोग कहते हैं ना कि आपको कैसे मिल जाते हैं लोग, ऐसे ही मिल जाते हैं भाई। नमस्ते, दुआ सलाम एक दूसरे को कर लो तो प्यार बन जाता है। अफ्रीका की बात बताऊँ आपको, पहली अफ्रीका के लोग बहुत अच्छे हैं भाई। मैं जहाँ जा गया ना, ये मेरी शायद 14वीं कंट्री होगी अफ्रीका में ही जहाँ जा रहा हूँ मैं इरिट्रिया। ये लोग आए देखो पूछने कि यार आपको खाना वाना अच्छा लगा, मतलब प्रायोरिटी पास वाले लॉन्ज में कौन किसको पूछता है, ये लोग आके पूछ रहे हैं। और जो स्टाफ था वो पीछे ये उठाने आए थे कप प्लेट वगैरह, ये भी पूछ रहे हैं आपको चाय पानी अच्छी लगी, ठीक है हमारा लॉन्ज, थैंक यू। बहुत स्माइलिंग लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं अफ्रीका के। बाकी अब नई कंट्री में जा रहे हैं, वहाँ देखते हैं क्या होगा। डिफरेंट टाइम जोन्स में ना आप ट्रैवल कर रहे हो तो एक नुकसान भी है। मैं आया था लंदन से, लंदन है इंडिया से 5.5 घंटे पीछे, ठीक है, और अभी इथोपिया है 2.5 घंटे पीछे, और भाई 3 घंटे का फ़र्क हो गया। मैंने घड़ी सेट कर ली 2 घंटे के हिसाब से, और हम लेट हो गए हैं बोर्डिंग की तरफ जाते जाते। खैर लेकिन फिर भी पहुंच जाएंगे टाइम से। और इन्होंने गेट भी चेंज कर दिया यार, पहले था A7, अब कर दिया A10। और मुझे बहुत खुशी सी हो रही है अगेन अफ्रीका की तरफ जाते हुए, क्योंकि अभी आया ना यूके से, ज़बरदस्ती का महंगा, मतलब एक्चुअल में महंगा है यूके। और भाई कोई किसी को देखता नहीं यहाँ पर ना, ये लोग बहुत अच्छे हैं। अगर आप थोड़े से पैसे खर्च सकते हो ना, मतलब टिप देनी है 150 इंडियन रुपीज़, भाई साहब मौज है, आपको राजा बना के रखेंगे। अभी टॉयलेट गए, आपको टिश्यू पेपर देंगे, टॉयलेट सीट क्लीन कर देंगे, कुछ भी करेंगे, मतलब आप पैसे दोगे तो बेचारे बहुत अच्छे हैं ये। और दूसरे देशों में कोई होता ही नहीं पैसे लेने वाला भी। ओ भाई साहब, ये हमारी फ्लाइट का क्राउड जहाँ हम जाने वाले हैं, ये इथियोपिया का और भाई इरिट्रिया का पंगा है आपस में ज़मीनों को लेके, तो थोड़ा एक बंदा गुस्सा हो गया था अभी बहुत ज़्यादा इन पे। थैंक यू। एयरक्राफ्ट बड़े बड़े हैं भाई इनके पास, और ये देखो एयरक्राफ्ट पे नाम दे रखा है ताजमहल। ड्रीम लाइनर है ये 787 बोइंग। गदर सा मचा पड़ा है भाई फ्लाइट में। खैर आते हुए भी अपनी यही सीट थी 17H, और यहाँ पे जाते हुए भी, मतलब लंदन से आते हुए सेम सीट थी, और अभी भी सेम सीट है। और भाई ये फ़्लाइट के बारे में मैं आपको बता रहा था, ये है बोइंग 787-89 इथियोपियन एयरलाइंस। इंफोटेनमेंट सिस्टम भाई इथियोपियन एयरलाइन गुड है, पहले भी मैंने ट्रैवल किया था मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी। अभी भी मैं लंदन से आया हूँ 8 घंटे का ट्रैवल करके, मैं डर गया, मन गया ये क्या है खुद आइस केयर मामा मामा गुड गिफ्ट बहुत बढ़िया, मज़ा आता है यार अफ्रीका आ गया ना, मतलब मज़ा आ गया। लंदन लंदन मुझे मज़ा नहीं आता। और इथियोपियन एयरलाइन की ना एक और खासियत है, इसमें मिलते हैं 23-23 किलो के 2 लगेज, मतलब मुझे मिले हैं अभी लंदन से आते हुए और असमारा तक, और मैं यहाँ से मतलब असमारा से वापस दिल्ली जाने वाला हूँ, तो दिल्ली तक भी अपने को मिले हैं 2 लगेज 23-23 किलो के जो चेक इन है, और फिर हैंड लगेज अलग है 10 किलो, और आपका लैपटॉप बैग अलग है। जो लोग हमारे साथ एयरलाइन में, बहुत से लोगों ने ऐसे जो बुजुर्ग लेडीज़ हैं, इन्होंने अभी भी ट्रेडिशनल ड्रेसेस ही पहनी हुई है अपनी। फ्लाइट कोड है भाई, हुआ 30 मिनट, और ये ड्रिंक्स वगैरह ले आए हैं, 1 घंटे की फ़्लाइट में भी ड्रिंक दे रहे हैं। एक भाई ये दिया सैंडविच, और हमने लिया जूस, हंगामा सा कट गया पूरे 1 घंटा 20 मिनट में हम उतर गए हैं भाई असमारा, जो कि कैपिटल है इरिट्रिया की। स्वागत है आपका एक और नए देश में, इसका नाम है इरिट्रिया, और यह है पहला नज़ारा इरिट्रिया का, असमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। भाई हम कर रहे हैं अपने वीज़ा की वेट, पहले हमारे को आई थी एक परमिशन, और अब लगा के देंगे वीज़ा, और हम रुकने वाले हैं इस होटल में, ऐड लगी हुई है भाई होटल की यहाँ पर। और कुछ ऐसा है नज़ारा अंदर का, लगभग 30 मिनट हो गया भाई खड़े, और हम कर रहे हैं वीज़ा का इंतज़ार। अब लोगों को वीज़ा मिलने लग रहा है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं भीड़ लगी हुई है, और सामने तो कैमरा करना ठीक है, होता नहीं इमिग्रेशन पे हम तो देखते हैं। और भाई ने, एक भाई मिले हैं, आप उन्होंने टेंशन दे दी, कहते यार सम टाइम ऐसा होता है कि यहाँ पर पैकेज नहीं आते, तो ये एयरलाइन की वजह से, क्योंकि वो ओवरलोड होती है,
एक टेंशन वो भी हो गई है, ऊपर से थकान है, बैग नहीं आया तो पंगा पड़ जाएगा यार। ओ भाई बैगेज का हाल, कैसे मिलेंगे बैग? एक घंटे से भी ज़्यादा हो गया यार और लगेज नहीं आया, टेंशन हो रही है अब मुझे, अगर लगेज नहीं आया तो कैसे होगा 3 दिन काम। आपने वो डायलॉग सुना होगा कि लाठी कर रखी है, और ये जो बाबा है ना, इसने सच में लाठी कर रखी है, देखो ये अपने बैग के लिए बैठे हैं, एक घंटे से लाठी कर रखी है सबके। लो भाई सोने पे सुहागा, लाइट ही चली गई, बेल्ट रुक गई है, क्या होगा हमारा? लगेज वगैरह उतार उतार के फेंके हुए हैं यहाँ पर। एक तो अपना मिल गया बैग, यार ये बेचारा बहुत साथ देता मेरा बैग, अपना बड़ा लगेज कहाँ है, मिल जा भाई साहब। लोग तालियां मार रहे हैं जिनका बैग आ रहा ना, और अपना भी आ गया, थैंक गॉड यार, जय हो भाई, आपकी दुआओं से ये अपना आ गया, लगेज बच गए। मुझको तो भाई ये दिखने लग गया था लॉस्ट एंड फाउंड, और मेरे साथ सीन था बैगेज टैग खो चुका था मेरा यार। तो भाई फाइनली हम बाहर आ गए हैं एयरपोर्ट से, हमें लग गए 2 घंटे बैगेज वगैरह लेने में और अपना वीज़ा लेने में। वीज़ा की आपको बताता हूँ, वीज़ा पहले तो हमने ट्राई किया था दिल्ली में मिला ही नहीं वीज़ा, कभी उनका काउंसलर नहीं होता था, कभी ईमेल नहीं होती थी, कभी एम्बेसी बंद होती थी। फिर पता लगा कि भाई यहाँ पर जिनसे मेरा कांटेक्ट था, उन्होंने कहा हम आपको वीज़ा ऑन अराइवल ही दे देंगे, तो उन्होंने मेरे को वीज़ा ऑन अराइवल की एक स्लिप भेजी जिसमें मेरा नाम वगैरह मेंशन था, एक और बंदे का मेंशन था, वो मैंने यहाँ पर दिखाई स्लिप, और उस डॉक्यूमेंट से इन्होंने मुझे वीज़ा जो है वो पेस्ट करके दे दिया। और वीज़ा की फ़ीस जो यहाँ पर ली ऑफिशियली, आई एम मेकिंग माई वीडियो, मेकिंग सेल्फी, रोक रहे थे। तो भाई 70 USD लिए हैं इन्होंने यहाँ पर इमिग्रेशन वालों ने, जो कि इन्होंने हमें दी रिसीट भी, उसके साथ बिल्कुल पक्की रसीद दी है, कोई रिश्वतखोरी नहीं, कुछ नहीं, सीधा सीधा कोई फालतू सवाल जवाब नहीं। और जो मेरे को डॉक्यूमेंट दिया था जो कंपनी ने, उन्होंने लिए हैं $75, और जो हमें अभी देने हैं वो यहीं थे यार, हमारा वेट कर रहे थे। हाँ मिल गए, मैं बाहर आके इन्हें बोल गया था, मैंने भाई लगेज है नहीं, जाना मत मुझे छोड़ के, मिस्टर तके थे, ओके ओके, नो प्रॉब्लम, आई एम हेयर। तो भाई ये है मिस्टर तकेते, इनका नंबर वगैरह मैं डाल दूंगा। 1 महीना लग गया लेकिन वीज़ा आने में ना, जो इनका डॉक्यूमेंट आने में वो 1 महीना लग गया। अंदर आके फॉर्म वगैरह भरवाया था भाई, और कोई फ़ोटो वगैरह भी नहीं लगी, तो बहुत ईजी प्रोसेस था, कोई दिक्कत नहीं थी। इनका वाला डॉक्यूमेंट जो है वो आप प्रिंट आउट लेके आना, यहाँ पर देने हैं $70, 75 इनको देने हैं, और यहाँ से अब हम जाने वाले हैं होटल। होटल भी मैंने इन्हीं से बुक करा लिया था, इन्होंने मतलब बहुत नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा काम है यहाँ पर, कोई ऐसे चीटिंग बजारी वगैरह कुछ नहीं है। इन्होंने मेरे से मतलब टैक्सी के भी लिए हैं $25, और उसमें मेरे को ये छोड़ के भी जाएंगे एयरपोर्ट। और मेरे को ना यहाँ पे एक भाई मिले थे, वो काफ़ी टाइम से यहाँ 4 साल से रह रहे हैं, उन्होंने जब रेट चेक किया कि कितने लगने चाहिए, तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही है, $13 एक साइड के लगने चाहिए। इन्होंने मेरे से 25 लिए, मतलब कम ही लिया है मेरे से, अप डाउन का $13 एक साइड का रेट होना चाहिए था। बहुत से ना लोगों के रिलेटिव बाहर से आ रहे हैं, ये लोग बेचारे वो लेके खड़े हैं फूल वगैरह, ये बंदा भी अपने साथ था, ये सूडान के हैं भाई, ये भाई जो जा रहे हैं बैग लेके, इनकी फैमिली यहाँ रह रही है, सूडान में वॉर चल रही है भाई, देखना पड़ता, सारे टोका टाकी चल रही है, कहीं कहीं कोई रोक देता है कहीं, क्योंकि ये थोड़ी सी भाई वैसी जगह है ना, तो होता है ऐसा, जहाँ पे आप एयरपोर्ट्स वगैरह पे वीडियो वगैरह बनाएं तो मना करते हैं कभी कभी। तो खैर कार आने वाली है, अपन चलेंगे यहाँ से, फिर बनाते रहेंगे वीडियो। कार आ गई भाई अपनी, ये तो हेल्प करवाते हैं रखवाने में, थैंक यू। इट्स ओके, कुछ दे दें यार, क्या वेट, थैंक यू। तो ये है भाई टोयोटा करोला, मेरे पास भी होती थी टोयोटा करोला, एरिटीरिया 1 नंबर है, ऐसी बातचीत नहीं है। फ्रंट क्या? तो भाई यहाँ पर जो है यूरोप स्टाइल में कार चल रही है, इंडिया से उल्टी तरफ, लेफ्ट हैंड स्टेयरिंग, राइट हैंड ड्राइव। इरिट्रिया, जिसका आधिकारिक नाम द स्टेट ऑफ इरिट्रिया है, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में बसा एक देश है, जिसकी सीमाएं इथोपिया, सूडान,
जिबूती और लाल सागर से मिलती हैं। इस देश को अपना नाम मिला इसके उत्तर पूर्व सीमा से सटे रेड सी से। लैटिन भाषा में इरिट्रिया का मतलब होता है रेड सी। इरिट्रिया का कुल क्षेत्रफल 117,600 स्क्वायर किलोमीटर है। क्षेत्रफल के हिसाब से इरिट्रिया दुनिया में 101वें नंबर पर आता है। इरिट्रिया की जनसंख्या की बात करें तो कहीं भी कोई डाटा क्लियर नहीं है। एक अनुमान के अनुसार इरिट्रिया की जनसंख्या लगभग 40 से 70 लाख के दरमियान है, जहां पर 50% लोग क्रिश्चियनिटी और 50% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। तो भाई स्वागत है आपका इरिट्रिया में। थोड़ा सा मौसम गर्म है, मतलब लंदन और आइसलैंड के मुकाबले तो गर्म होना ही है, वहाँ से आ रहे हैं हम। तो यार ये जो है ना बंदे बहुत बढ़िया हैं, पहली बात तो। दूसरी बात ये भी टिकट लगी है भाई 5 नकफा। जो इरिट्रिया की करेंसी है वो है नकफा, और यहाँ पे इनकी जो करेंसी है ना वो 97 से यूज़ कर रहे हैं ये लोग, और 97 से वो स्टेबल है। मतलब आज एक US डॉलर जो है वो 15 नकफा मिलते हैं, और पहले जब इन्होंने स्टार्ट की थी करेंसी एक US डॉलर को 13.5 नकफा मिलते थे, मतलब सिर्फ 1.5 नकफा का फ़र्क आया है इतने सालों से, 97 से 2024 आ गया है। तो आप देखो इनकी करेंसी स्टेबल है। अगर भारतीय रुपये से तुलना करें तो लगभग 6.25 रुपये का एक नकफा होगा। मैंने टेम्परेचर पूछा भाइयों से कि टेम्परेचर कितना होगा, कह रहे यार हम तो डेली देखते ही नहीं। एक्चुअली डू यू हैव इंटरनेट? यस। इन योर फोन यू हैव? नो। ओके, सो आर टूरिस्ट कैन बाय सिम कार्ड? नो आई कांट। आई कांट बाय सिम कार्ड? ओके। इफ यू आर गोइंग टू बाय इट्स बी वेरी एक्सपेंसिव, यू विल पे अराउंड 600 नकफा। 600 नकफा? Yeah, around $40. $40, 3600 rupees का सिम कार्ड एंड नो इंटरनेट, बट नो इंटरनेट, नो नो इंटरनेट, नो इंटरनेट इन मोबाइल, इन मोबाइल नो। ओके, भाई टाइम ट्रैवलिंग कर रहे हैं इस बार, हम पीछे आ गए टाइम में लगभग 30 साल। इथोपिया के साथ 30 साल लंबी इंडिपेंडेंस वार के बाद सन 1993 में इरिट्रिया को आज़ादी मिली, और तब से लेकर अब तक यहाँ पर इसाइस अफ्रीकी प्रेसिडेंट हैं। इरिट्रिया वर्ल्ड्स मोस्ट सेंसर्ड कंट्री है, जहाँ पर साल 2001 में सरकार ने सभी इंडिपेंडेंट मीडिया को शट डाउन कर दिया और जर्नलिस्ट को जेल में डाल दिया, जो आज तक भी जेल में हैं। BBC की एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 में इरिट्रिया की सरकार ने सभी सोशल मीडिया साइट्स को भी बैन कर दिया। कहते हैं कि यहाँ का हर एक नागरिक अपने आप में एक पुलिस वाला है, और जब भी आप एज अ टूरिस्ट जाते हैं तो वो आप पे नज़र रखे होता है। तो देखते हैं इस देश पे हम पे कितने लोग नज़र रखेंगे। थैंक यू। भाई मैंने पूछा कुछ इंस्ट्रक्शन आप लोगों को देनी हो मुझे, तो कह रहे नथिंग, नील, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, घूम फिर कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी रात को घूमो 1 बजे 2 बजे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम शायद पहुंचने वाले अपने होटल के पास, 4 से 5 किलोमीटर दूरी पे हमारा होटल है जो बुक किया। मैंने बोला था इनको भाई सिटी सेंटर में बुक करना, तो इन्होंने जो रिकमेंड किया सबसे अच्छा होटल इनके उससे वो ही मैंने बुक किया। भाई एक प्लेन बिल्डिंग है बहुत फेमस, दिस इज द मेन स्ट्रीट, द मेन स्ट्रीट, द मेन स्ट्रीट। भाई हम पहुंच गए हैं अपने होटल पे, क्रिस्टल होटल, और जनरेटर्स की आवाज़ आ रही है अभी, लाइट वगैरह का यहाँ थोड़ा कम ही सीन रहता है, देखते हैं क्या होगा, मज़ा आने वाला है। भाई यहाँ तो रिसेप्शन पे भी लाइट नहीं है। होटल चिकन हमने कर लिया है, और ये है अपना रूम, ये बेड, नॉट बेड, ये ड्रेसिंग, यहाँ पे भाई ये बाथरूम है, टॉयलेट, शावर एरिया, ओके है, चेयर है, ठीक है, अलमीरा भी है। इसके अंदर देखें भाई लॉकर है सेफ्टी या नहीं, यहाँ तो नहीं है इसमें।
सेफ्टी लॉकर नहीं है, लेकिन हम मेरे को लग नहीं रहा कि ये कंट्री कोई डेंजरस है। ये कंट्री बिल्कुल मुझे भाई सेफ फील हो रहा है यहाँ के, कोई बेकार नहीं लग रहा। और चार्जिंग प्लग और सॉकेट्स की बात करें तो भाई यहाँ पे सॉकेट में अपने इंडिया वाला भाई ये लग रहा है सिस्टम, ये भी इंडिया वाला लग जाएगा यहाँ पे भी, और ये शायद यूपी वाला है तो इंडिया वाला भी अपना लग रहा है। बाकी यार एक वो तो ट्रैवल अडाप्टर रखना ही चाहिए जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो, कुछ इस तरह का ना जो हर कंट्री में यूज़ हो जाए। कहते हैं कि इंटरनेट नहीं है, लेकिन इन्होंने वाईफाई पासवर्ड दिया, बट बोला है कि भाई इतना हमारा फास्ट है नहीं यहाँ पर, आपको पता है इस कंट्री में, तो चला के देखते हैं वाईफाई का क्या हाल है। बस व्हाट्सएप मैसेज चले जाएँ इतना ही बहुत है यार। और यहाँ है एक मिनी बार जिसमें भाई बियर भरी हुई है, पानी भरा हुआ है, वो बियर ही बियर है ज़्यादा। तो बस भाई यही है अभी तक का सफ़र।